दिल्ली में नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और आला अफसर मौजूद हैं। बैठक में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बड़ी जानकारी जहां पर नक्सल प्रभावित जितने भी राज्य हैं वहां के जो मुखिया हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। नक्सलियों के खात्मे को लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई है और बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और आला अफसर भी मौजूद हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं। नक्सल प्रभावित प्रदेशों का बैठक है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बैठक लेने वाले हैं। हाँ, सौजन्य मुलाकात है। माननीय प्रधानमंत्री जी से शाम को मुलाकात करेंगे और वहीं पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम साय। शाम 6 बजे ये मुलाकात होनी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री को नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता की जानकारी भी देंगे। विकास कार्यों पर भी पीएम और सीएम में चर्चा होगी। बड़ी जानकारी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 6 बजे मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता की जानकारी पीएम को दी जाएगी। विकास कार्यों को लेकर भी पीएम और सीएम के बीच में चर्चा होनी है। तो देखिए, आज दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सीधे रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, बैठक शुरू हो चुकी है, दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, तमाम आला नेता मौके पर मौजूद हैं। कितनी महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिहाज से पूरी बैठक? देखिए, दिल्ली में अमित शाह बैठक ले रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में तमाम जो मुख्यमंत्री और डीजीपी मुख्य सचिव जो हैं बैठक में शामिल हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश में सबसे ज़्यादा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का बस्तर है। यहाँ पर नक्सल को खत्म करने के लिए जो संकल्प लिया है केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक के यहाँ पर पूर्ण रूप से नक्सल को खत्म करना है, उसके लिए किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसको लेकर एक साझा रणनीति तैयार हो रही है, उसकी समीक्षा बैठक जो है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन की जो है वो जानकारी देंगे। बता दें, अभी 2 दिन पूर्व ही जो बड़ी सफलता मिली है, 31 नक्सली मारे गए हैं अब तक के छत्तीसगढ़ में जितने भी ऑपरेशन हुए इस साल के, उसमें सबसे बड़ी सफलता जो है जवानों को मिली और रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के डाटा की बात करें तो इस साल 202 नक्सली मारे गए हैं, ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है नक्सलियों को कमजोर करने के लिहाज से भी। वहीं 726 से अधिक जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है पिछले 9 महीने में। अगर गिरफ्तारी की बात करें तो 812 नक्सलियों ने गिरफ्तारी दी है। तो इस तरीके से एक जब बढ़िया रणनीति के तहत काम कर रहे और लगातार सफलता भी मिल रही है। सफलता इस लिहाज से भी अहम हो जाती है कि 46% जो है जवानों की जो घटनाओं में मौत हो जाती है, किसी तरीके से दुर्घटना होती थी उसमें भी कमी आई है। और विकास की गति छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है बस्तर क्षेत्र में उसको भी। तो सभी तमाम शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आज जो बैठक हो रही है इसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या प्लान होता है। दुर्ग में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मरने वाला युवक भी बदमाश था। 20-25 लोगों ने लाठी, डंडों और हथियार से हमला कर दिया। भिलाई के हथखोज में यह वारदात हुई है। भिलाई 3 पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गया है। मिथिलेश, ये पूरा मामला बताइए क्या है? देखिए, जो मृतक है वो आतंक बदमाश किस्म का था। 3 दिन पहले ही वो जेल से छूटा था
उसके बाद छूटते ही वो कुछ क्षेत्र के युवकों से विवाद करने लगा। देर रात में इनके बीच में विवाद हुआ था और इसी बीच में बताया जाता है कि मृतक में जो है धारदार हथियार निकाल दिया उनको मारने के लिए। इसी बीच उनका विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि वहां देखते ही देखते ये हत्या में मामला तब्दील हो गया। आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहां पे पहुंच गए। जब उन्होंने देखा कि वो जो आदतन अपराधी किस्म का जो व्यक्ति है वो कुछ लोगों को मार रहा है, तो सभी वहां पर पहुंच गए। लाठी डंडा से उन पर प्रहार किया, जमकर मारपीट हुई, उसको मार मार कर अधमरा कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 20 से 25 लोगों को हिरासत में लिया है जिनको जिससे पूछताछ की जा रही है और संभवतः यह बताया जा रहा है कि 8 से 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें चिन्हांकित कर लिया गया है जो इस पूरी हत्या की वारदात में शामिल थे। जी शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और अब जो बदमाश को जिन लोगों ने मारा है उनकी भी तलाश की जा रही है। दरअसल जिसे मारा गया है वो भी एक बदमाश ही था। रायपुर में सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन समारोह हो रहा है। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हैं। समापन समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक भी मौजूद हैं। आज MI हेलीकॉप्टर और डियर डेविल्स का प्रदर्शन होगा। साइंस कॉलेज मैदान में चल रही सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन समारोह हो रहा है और इसके चलते बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरा समापन का कार्यक्रम होगा। मुख्य तौर पर सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन हो रहा है और इसके चलते राज्यपाल रमेन डेका शामिल होंगे समापन समारोह में और डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। और आज कुछ अलग करतब भी दिखाए जाएंगे जहां पर आज MI हेलीकॉप्टर और डियर डेविल्स का प्रदर्शन किया जाएगा। साइंस कॉलेज मैदान में सैन्य प्रदर्शनी का आज समापन समारोह हो रहा है। तो इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी शामिल रहने वाले हैं। आज प्रमुख जो सैन्य अभिनंदन करने के लिए जवान हैं वो अलग अलग तरीके से कर्तव्य दिखाते हुए भी नजर आएंगे और इसमें राज्यपाल रमेन डेका भी शामिल रहने वाले हैं। तो शूरवीरों के दम की कुछ शौर्य को प्रदर्शित करती हुई तस्वीरें भी सामने आने वाली हैं। MI हेलीकॉप्टर डियर डेविल्स का भी प्रदर्शन आपको देखने को मिला। सैन्य प्रदर्शनी के समापन समारोह में बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। सीधे रुख करेंगे संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए। तनु, समापन समारोह हो रहा है सैन्य प्रदर्शनी का और इस दौरान देखा जा रहा है कि कुछ और भी अलग अलग हैरतअंगेज करतब भी दिखाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में समापन समारोह में भी लोग सैनिकों के शौर्य का जो है प्रदर्शन देखने यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हॉर्स राइडिंग की गई और इस हॉर्स राइडिंग में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर के कुछ बच्चे भी जो है वो शामिल हुए और हॉर्स राइडिंग के बाद में MI हेलीकॉप्टर का कर्तव्य यहाँ पर दिखाया गया जिसके बाद डेयर डेविल्स का कर्तव्य यहाँ पर देखने को मिला और लगातार प्रदर्शनी का जो दौर है वो जारी है। फिलहाल इस वक्त जो हमारे सैनिक हैं वो किस तरह से दुश्मन के हेडक्वार्टर पर अटैक करते हैं ये दिखाया जा रहा है। मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है और ड्रोन कैमरे से किस तरह से निगरानी की जाती है ये तमाम जानकारी आम दर्शक तक जो है वो पहुँचाया जा रहा है। और साथ ही इसके बाद अब आगे बैकपाइपर बैंड अपना कर्तव्य दिखाएंगे, कुकरी डांस यहाँ पर हुआ है। इसके बाद सबसे मुख्य आकर्षण का केंद्र पूरे सैन्य समारोह की बात करें तो बीच में टैंक T20 टैंक है जिसको देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। समापन समारोह में भी लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है और अलग अलग प्रदर्शन के माध्यम से सैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। लोगों को आम लोगों को भी देख कर जो है उसमें खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और आगे भी अलग अलग प्रदर्शनी का दौर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में अलग अलग सेक्टर्स में लोग यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और इनका प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और शाम को भी पूरे सम्मान के साथ और कर्तव्य में बदलाव किया गया था लेकिन लोगों के स्वागत को देखते हुए प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार जारी है। सुबह शाम में 5 बजे से 8 बजे तक फिर एक बार समापन समारोह में अंतिम दिन में तमाम प्रदर्शनी जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल सैन्य समारोह का
समापन जो है फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल रमेन डेका, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा सभी यहाँ पर जो है मौजूद है। और इसके बाद अब शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक बस का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद सैन्य समारोह का समापन यहाँ पर किया जाएगा। तो एक तरह से जो 5 अक्टूबर को जो सारे प्रदर्शन का दौर यहाँ पर देखने को मिला, चाहे हॉर्स राइडिंग की हम बात करें, बैक पेपर बैंड की हम बात करें, खोखरे डांस की हम बात करें, एमआई हेलीकॉप्टर्स हैं, डेयर डेविल्स हैं, उन सभी का प्रदर्शन आज अंतिम समापन समारोह में भी जो है दिखाया गया है। लगभग सभी प्रदर्शन प्रदर्शनी का जो दौर है वो पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब सीधे शाम को 5 से 8 बजे एक बार और अंतिम प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका समूह, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। उस तरीके से शाम के वक्त भी कुछ जो प्रदर्शन है वो किए जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबिकापुर से एक और अहम खबर की, जहां पर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। घर की छत पर ले जाकर लड़के को बुरी तरह पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 2 घंटे तक लड़के को बुरी तरह पीटा गया। गांधीनगर थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। घर की छत पर ले जाकर लड़के को पीटा गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 2 घंटे तक लड़के को बुरी तरह पीटा गया है। गांधीनगर थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बालोरा बाजार में ओवरलोड के कारण 33 केवी की लाइन में आग लग गई। लगभग 10 मिनट तक खंभे में लगी तार जलती रही। 50 मीटर की दूरी पर ही दुकान थी, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कटगी गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी बलौदा बाजार से, जहां पर ओवरलोड के कारण 33 केवी की लाइन में अचानक से आग लग गई और आग देखते ही देखते फैल भी गई। पास में कुछ मकान भी थे। गनीमत यह रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, जानमाल का नुकसान हो सकता था। फिलहाल एक बहुत बड़ा हादसा टला है। तकरीबन 10 मिनट तक खंभे में लगी तार जलती रही। 50 मीटर की दूरी पर दुकानें भी थी। बड़ा हादसा टला है। कटगी गांव में यह हादसा हुआ है। आज भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की कोर्ट में पेशी होगी। विधायक देवेंद्र यादव की आज रिमांड खत्म हो रही है। न्यायिक रिमांड खत्म होने के चलते आज जो पेशी होगी। बलौदा बाजार अग्रणी और हिंसा मामले में जेल में बंद है विधायक देवेंद्र यादव। 17 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है विधायक देवेंद्र यादव और आज विधायक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भिलाई से, जहां पर आज विधायक देवेंद्र यादव की कोर्ट में पेशी होगी। दुर्ग में लेडी डॉक्टर के साथ लाखों की ठगी हुई है। बदमाशों ने महिला से 60 लाख रुपए ठग लिए। होटल कारोबार में मुनाफे का दिया था झांसा। सुपेला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां पर लेडी डॉक्टर के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने महिला से 60 लाख रुपए ठग लिए। कोरिया में पुलिस का एक बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पुलिस ने गश्त में 101 संदिग्धों को पकड़ लिया है। जिले के 100 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने एक साथ कार्रवाई की है। पटना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। तो वही पेंड्रा में शारदीय नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने चूनर यात्रा निकाली है। 500 मीटर लंबी चुनरी लेकर भक्त माता के मंदिर पहुंचे। गिरारी गांव से पेंड्रा के दुर्गा मंदिर तक 500 मीटर चुनरी लेकर पदयात्री पहुंचे। पदयात्रा का कई जगहों पर स्वागत हुआ। और चलिए